हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानपुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है जो गवर्नमेंट सरकार भारत सरकार की तरफ से निकल के आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और ये जो निकल के आई है, शॉर्ट नेम उसका फैक्ट हो जाता है, फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड से ये निकल के आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और उसका ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं पीडीएफ को और डिटेल में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक हो जाता है factfsct.co.in। ये इसका लिंक हो जाता है ऑफिशियल, जो आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया गया, देखिए, द फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेनकोर लिमिटेड। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग करियर पे जाते हैं। करियर पे मैं क्लिक करता हूँ और इसके अंदर हम लोग का ऑप्शन मिल जाता है जॉब ओपनिंग्स का। इसके अंदर जितने भी जॉब से रिलेटेड आएंगे सारे नोटिस हम लोग को मिल जाते हैं। जो पहला वाला है ये अभी न्यू में ब्लिंक हो रहा है, देखिए यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा उसका पीडीएफ। और एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करता हूँ, उसका डिटेल हम लोग जहाँ से मिल जाएगा फैक्ट का यहाँ पे देख सकते हैं, हेडिंग में ही दिया हुआ है। और यहाँ पे जो पोस्ट आते हैं, क्या क्या पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट निकल के आ रहे हैं। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन के लिए, असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस के लिए, असिस्टेंट मैनेजर फेयर एंड सेफ्टी के लिए, असिस्टेंट मैनेजर थर्मल केमिकल के लिए। तो जितने भी आ रहे हैं सारे मैनेजर लेवल के ही जॉब है। किस तरह का टाइप का ये रिक्वायरमेंट रहेगा, ऑल इंडिया रहेगा। देखिए, जितने भी दिखाई दे रहे हैं अभी तक सारे के सारे ऑल इंडिया के हैं। कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और लास्ट में हम लोगों को टोटल वैकेंसी मिल जाते हैं। तो किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा आप पे, देख लीजिए किसमें आप लोग। उसके नीचे पहले तो आप लोगों को जानना पड़ेगा क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे जैसे दिया गया है, देखिए इसके लिए सबसे ज़्यादा है 28 दिया गया है टेक्नीशियन के लिए, जिसमें से दो हो जाता है एक प्रोडक्शन के लिए एक क्वालिटी के लिए। स्पेसिफिकेशन हम लोग को मिल जाते हैं नीचे थोड़ा आने से, यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे पहला वाला असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन के लिए जो दिया गया था, सैलरी की बात करें तो 20,600 से लेकर 46,500 E2 में इसको रखा जाता है। साथ ही साथ टोटल और बेसिक पे जो रहेगा उसके साथ डीए एचआरए भी रहेगा अराउंड, आर जो आप लोगों का सैलरी हो जाएगा लगभग 55,945 पर मंथ सैलरी बन जाता है। ये सबको अगर डीए एचआरए ये सब अगर ऐड कर दिया जाए तो अराउंड लगभग इतने आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है, देखिए ये जो सैलरी रहेगा ये सैलरी तो सारे पोस्ट के लिए है, क्वालिफिकेशन इसके लिए ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा। हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। पहला वाला जो दिया गया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, किसमें किसमें होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ केमिकल टेक्नोलॉजी, उसके बाद पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, उसके बाद पेट्रोलियम में, उसके बाद पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, ये मैंने जितने आप लोगों को बताया इस ट्रेड सब में बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ में इसी फील्ड का। तो ये क्वालिफिकेशन डिटेल हो जाता है। इसी तरह से दूसरा वाला भी आइएगा तो दूसरा वाले में भी इसी तरह से आप लोगों को क्वालिफिकेशन मिलेंगे। बैचलर डिग्री दिया गया है इंजीनियरिंग में, किस किस फील्ड में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेशन में दिया गया है, इंस्ट्रूमेशन डिसिप्लिन होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ में इसी फील्ड का। इसी तरह से जितने भी पोस्ट आ जाते हैं सबका आप लोगों को बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ में। और ये लास्ट में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एज से डिटेल दिया गया है। 1/11/2019 के आधार से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 35 एज दिया गया है, दैट इज बोर्न ऑन आफ्टर 1/1/1944 1944 के बाद में जन्म होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने वैकेंसी हैं सारे वैकेंसी का इसी तरह से क्वालिफिकेशन दे दिया गया है और साथ ही साथ कितने एक्सपीरियंस होना चाहिए वो चीज भी दिया गया है। यहाँ पे जो सैलरी की मैंने बात की थी वो असिस्टेंट मैनेजर 5 नंबर तक का दिया गया है। 5 नंबर के बाद यहाँ पे अगला जो आ जाता है वो यहाँ पे देखिए 6 नंबर में जो दिया गया था, ये सब के लिए अलग से सैलरी आ जाता है। इसके लिए सैलरी दिया गया 9,250 से लेके 32,000 तक का दिया गया है। ये आप लोगों का W जो वेज ग्रुप 18 में रखा गया है, द टोटल बेसिक आप लोगों का बन जाता है इसमें अराउंड 25,110 रुपया से लेके 25,110 रुपया ये आप लोगों का पर मंथ सैलरी बन जाता है अराउंड। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बीएससी डिग्री मांगा गया केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल ये सब में, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ में। अगला वाला टेक्नीशियन जो दिया गया था इसमें भी बीएससी क्वालिफिकेशन ही मांगा गया है।
और इसमें भी एज इसी तरह से ही दिया गया है 11/1982 के आधार से उसके बाद ही होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप लोगों का जो मांगा गया है कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल जितने भी आप लोगों के हैं वो सब में UGC, AICTC, AIU ये सब अप्रूव्ड होना चाहिए। एज का बेनिफिट भी आप लोग उठा सकते हैं, 3 साल का ओबीसी के लिए, 5 साल का एससी एसटी के लिए, एक्स सर्विस मैन वाले सबके लिए भी हो सकता है आप लोगों के पास अगर सर्टिफिकेट है तो। उसके बाद अप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल रहेगा, कोई अमाउंट इसमें रिफंड नहीं होगा, लेकिन इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, देखिए 1000 तक रखा गया है, प्लस 18% जीएसटी के साथ भी इंक्लूडेड बैंक चार्ज ये सब लगेगा। ये जो आप लोगों का अप्लीकेशन फी है थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी सैलरी भी है, तो उसके आधार से आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये सब कर सकते हैं। ये जो अप्लीकेशन रहेगा 1 से लेकर 5 तक के लिए रहेगा, और 500 रुपया प्लस जीएसटी इंक्लूडिंग बैंक चार्ज ये सब जो रहेगा 6 नंबर के लिए रहेगा, 6 नंबर जो पोस्ट है वो सबके लिए रहेगा, बाकी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं ये सबके लिए एप्लीकेशन फी नहीं रहेगा, फ्री रहेगा। तो खास करके तो एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन ये सबके लिए तो इस वैकेंसी के लिए बहुत ही खुशी की बात है, फ्री में अप्लाई करें, 1000 रुपया बच जाएगा, 1000 रुपया तो क्या उससे ज्यादा भी बचेगा, क्योंकि इसमें जीएसटी वगैरह या बैंक चार्ज वगैरह भी नहीं लगेगा बोल के दिया गया है। तो ये सब अमाउंट आप लोगों का फ्री है, फ्री में अप्लाई कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, तो आप लोगों का अच्छी खासी सैलरी वाले जॉब पा सकते हैं। सिलेक्शन मेथड की बात करते हैं किस तरह से है, देखिए इंटरव्यू दिया गया है, कोई इसमें एग्जाम वगैरह दिया है क्या नहीं दिया है हम लोग आगे चल के देखते हैं। देखिए इसमें जो दिया गया है अभी फिलहाल ये दे दिया गया है कि इंटरव्यू के आधार से सिलेक्शन हो गया, आप लोगों का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सब सुध देखा जाएगा, इसके आधार से इंटरव्यू हो गए। लेकिन अगर जरूरत पड़े, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो लोग क्या सोचेंगे, तो हो सकता है रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि रिटर्न टेस्ट हो गई, वो बता रहे हैं कि हो सकता है बोल के, लेकिन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार से ही सिलेक्शन होगा। ये अप्लाई करने के लिए जो रूल दिया गया है इसके लिए आप लोगों को जो अमाउंट है वो कोई ऑनलाइन नहीं है, डीडी बनाना पड़ेगा, किसके फेवर में बनाना पड़ेगा वो सब डिटेल यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है। बैंक से जाकर डीडी वगैरह बनाना पड़ेगा, फॉर्म वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा, कैसे फॉर्म मिलेगा उसका लिंक भी दिया हुआ है, डाउनलोड करके अच्छी तरह से फिलअप करके इसको भेजना पड़ेगा, और इसका जो भेजने का लास्ट डेट वहाँ पे रिसीव करने का दिया गया है 13/11/2019 तक पहुँच जाना चाहिए उन लोगों के पास में, अगर अदरवाइज नहीं पहुँचता है तो वो सब रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके आधार से ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज एक दिन भी या कुछ घंटे भी लेट हो जाते हैं तो आप लोगों का अमाउंट भी चला जाएगा, फिर आप लोगों का वो चीज़ रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिलअप अगर करना चाहते हैं इसको, इसमें जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग भर के सारा डॉक्यूमेंट डीडी बना के सब कुछ अटैच करके आप लोगों को भेजना पड़ेगा ऑफलाइन। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों एक अच्छी से जॉब के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।